डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत कॉमन समस्या शरीर में गांठों की। बहुत से मरीज अपने क्लिनिक पर आते हैं जिनके शरीर में जगह जगह गांठें पड़ी होती हैं, वह उससे परेशान रहते हैं। शुरू में वो उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब ये बढ़ती हैं तो ये पेनफुल होती हैं और वो इलाज कराने आते हैं। कुछ को ये कॉस्मेटिक ट्रबल पोज करती हैं और कुछ के यह पेन करती हैं। तो हम आपको बताएंगे इन शरीर की गांठों को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, जिससे ये घुल जाएं और आपको कॉस्मेटिक और पेनफुल ट्रबल दोनों ही ना हो। सबसे पहले साथियों, जान लेते हैं यह होती क्या है। उसको समझने के लिए साथियों, हमको यह समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं। लिम्फ ग्लैंड्स हमारे खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं, उनको इनगल्फ करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। यह जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, पूरा क्लस्टर नुमा कई सारे झुंड में सेल्स होते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का, डिफेंसिव सिस्टम का। तो जब कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो यह उसको इनगल्फ करके ख़त्म करने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब यह इनगल्फ करने का काम करते हैं तो अंदर इन्हीं के बीच में कैल्सिफिकेशन हो जाता है उस बैक्टीरिया वायरस के अराउंड, और वह गांठ के रूप में हमारे सामने आ जाता है। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स, आपको भारीपन महसूस होता है, गांठें महसूस होती हैं, उनमें दर्द महसूस होता है। बात कर लेते हैं इनके कारणों की। आपके शरीर में जो गांठें होती है साथियों, उसमें क्या होता है कि जब आपका डिफेंस सिस्टम, जो आपके क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं बहुत सारे लिम्फॉइड ग्लैंड वाले, वह ग्रुप होकर बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, बैक्टीरिया को इनगल्फ करके, वायरस को हार्मफुल इनगल्फ करके, ताकि वो अन्य बॉडी ऑर्गेन्स पे हमला ना कर पाएं, कभी कभी कैल्सिफिकेशन की ओर ले जाते हैं। जब इस तरह की परिस्थिति आ जाती है, वह स्वेल हो जाते हैं, वही सूजन आपको गांठ के रूप में दिखती है। यह नॉन कैंसरस होती है 99% केसेस में, या बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं होती, सिवाय इसके कि आपको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम पोज करती है। हम आपको बताएंगे साथियों इन गांठों को घुलाने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले साथियों ये बता दें, कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से पूछ के ही लीजिएगा, यो अपने मन से कोई भी दवा ना लीजिएगा। चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिसको आपको बताते हैं आपके शरीर में गांठें घुलने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, एक स्थिति आती है आपकी शरीर की गांठों में कि वह बहुत सख्त हो और कभी कभी आपके टेस्टिकल्स के पास भी हों। तो अगर यह स्थिति आप में है कि बहुत सख्त गांठें आपके शरीर में, तो उनके घुलाने की एक बहुत अच्छी दवा आपके लिए हो सकती है ब्रोमियम। सख्त गांठें घुलाएं हों तो आप ब्रोमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। धीरे धीरे आपके गांठों को घुला के आपको यह जो लिम्फ नोड्स स्वेल हुए इनको ख़त्म कर देगी। एक स्थिति साथियों शरीर की गांठों में आ सकती है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गांठें और आपके गले में गांठें जो बिल्कुल मोती की तरह माला जिसकी लग रहा बना दी गई हो। अगर इस तरह की स्थिति आपके शरीर में कहीं हो, आपके गले में हो, आपके इनगाइनल लीजन में हो, आपके हाथ पैरों में हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एथुजा साइनेपियम। आप एथुजा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, यह आपकी शरीर की गांठों को घुला के आपको रिलीफ देगी। नंबर एक दवा साथियों जो इन गांठों को घुलाने की है, वह है कैल्केरिया फ्लोर। हम सब इस दवा से वाकिफ़ हैं। अगर आपके शरीर में गांठें हैं तो आप कैल्केरिया फ्लोर 6 पावर में चर गोली दिन में 4 बार गुनगुने पानी से लेना शुरू कर दें। इसको 3-6 महीने तक लें, आपको गांठें घुलने में इस दवा से बहुत आराम मिलेगा। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके शरीर में गांठें भी पड़ी हों और वह गांठें आपको तकलीफ दे रही हों और आपके फीवर भी आ रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके शरीर में गांठें पड़ी हों, आपको फीवर भी आ रहा हो और आपको प्यास न लग रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जलसीमियम सेमी परवाइनम। आप जलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपकी डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस को भी ख़त्म करेगी, आपकी गांठों को भी घुलाएगी, आपके बुखार को भी ठीक करके आपको स्वस्थ बनाएगी। एक स्थिति साथियों आती है जो आपके शरीर में गांठें हों, यह पकने लगें और बहुत पेन करने लगें। तो अगर यह स्थिति हो कि इन गांठों में सूजन आ जाए और यह पकने लगें, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, यह आपके गांठों को पकना भी रोकेगी और गांठों के दर्द और लाली को भी खत्म करेगी। एक स्थिति आती कि आपके शरीर में सालों से गांठें पड़ी हैं, ना वो बढ़ रही हैं ना वो घट रही हैं, लेकिन सालों से पड़ी हैं।
अगर यह सिम्टम आप में है कि बहुत वक्त से आपके शरीर में गांठें पड़ी हैं, तो उस स्थिति को ठीक करने, आपकी गांठों को गुलाने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कार्बो एनिमेलिस। आप कार्बो एनिमेलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। यह आपके शरीर की गांठों को भी ख़त्म करेगी जो सालों से पड़ी हैं, एक जैसी अनवरत चलती आ रही हैं। यह आपको उनमें आराम दे के आपको निश्चिंत करेगी। एक स्थिति आ सकती है आप में कि आपके बगल में, आपके आर्मपिट में गांठें हैं और आपके गले में गांठें हैं। तो अगर आपके आर्मपिट में गांठें हैं, बगल में गांठें हैं, तो उन गांठों को घुलाने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में ग्रेफाइटिस। आप ग्रेफाइटिस 30-2 बूंद दिन में 3 बार लें। यह दवा आपकी इन गांठों को घुला के आपको आराम देगी। एक स्थिति आपके सामने आ सकती कि आपके शरीर में मुलायम गांठें हों। तो अगर आपके शरीर में मुलायम गांठें हैं, सॉफ्ट लिम्फ नोड्स हैं, आपके सॉफ्ट ग्लैंडुलर नोड्स हैं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लेपिस एल्बा। आप लेपिस एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपके उन मुलायम गांठों को जो आपके शरीर में, उनको भी घुला के आपको आराम देगी। एक बहुत अच्छी दवा है साथियों शरीर की गांठें घुलाने के लिए, वह है स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। आप स्क्रोफुलेरिया नोसोडा मदर टिंचर फॉर्म में 5 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं शरीर की गांठों के कंडीशन में। यह दवा आपके शरीर की गांठों को घुला के आपको आराम देगी। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप ये दवा लॉन्ग टर्म ले लेंगे तो आपकी गांठें खत्म हो जाएंगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके शरीर में गांठ और उनमें पेन हो, दर्द हो। तो अगर आपके शरीर में गांठें और उनमें दर्द हो रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की, आपकी गांठों को घुलाने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मरकायोड। आप मरकायोड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह आपके गांठों के दर्द को भी ख़त्म करेगी और आपके गांठों को घुलाएगी भी। ये साथियों को दवाएं थी आपके बहुत कॉमन समस्या, आपके शरीर की गांठों को, लिम्फ नोड्स जो हो जाते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स हो जाते हैं, उनकी स्वेलिंग को ख़त्म करने की सलाह देंगे साथियों। और आपसे निवेदन भी करेंगे कि दवाएं बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति टू व्यक्ति सिम्टम भिन्न होते हैं होम्योपैथिक इलाज में। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप यूट्यूब नोटिफिकेशन या व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको संतोषजनक जवाब दे सकें। आपसे निवेदन करेंगे साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को क्लिक करके सबसे पहले हमारे नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करते रहिएगा और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।